जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है झिलमिल और आज मैं फिर से आपके सामने लेकर आ रही हूँ यूपीएससी मेंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और हमें इंस्पायर करें कि हम आगे और वीडियोज़ बनाएँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेरा फेवरेट है क्योंकि ये एग्रीकल्चरल बेस्ड है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्रीकल्चरल प्रोक्योरमेंट स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन रोल ऑफ एफसीआई इन पीडीएस। ये क्या है इसके डेप्थ में हम आगे की स्लाइड्स में देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल पॉलिसी हैज थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, द एमएसपी, बफर स्टॉक्स एंड इशू ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू द पीडीएस। गवर्नमेंट का जो एग्रीकल्चरल पॉलिसी है वो तीन चीज़ों के आसपास बेसिकली घूमता है। फर्स्ट तो है एमएसपी, जो कि आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा ही होगा। सेकेंड है बफर स्टॉक्स एंड द थर्ड इज इशू ऑफ फूड ग्रेन्स टू द पीडीएस। तो एमएसपी, बफर स्टॉक्स और पीडीएस क्या होता है हम आगे की स्लाइड्स में देखते हैं। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज द प्राइस एट विच गवर्नमेंट परचेजेस क्रॉप्स फ्रॉम द फार्मर्स इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस फॉर द क्रॉप्स। इट हेल्प्स टू इंसेंटिवाइज द फार्मर्स एंड डज इंश्योर्स एडुकेट फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन द कंट्री। जैसे कि आप मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई राइस या व्हीट के हार्वेस्टिंग से पहले गवर्नमेंट एक प्राइस डिसाइड करती है कि मान लीजिए एक केजी दाल का 60 रुपीज़। मैं दाल का एग्जांपल ले रही हूँ लेकिन जनरली 26 चीज़ें होती है जिसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित किया जाता है। तो मान लीजिए एक केजी दाल का 60 रुपीज़ गवर्नमेंट ने एमएसपी डिक्लेयर कर दिया है, तो ये फार्मर्स को इंश्योर रहता है कि अगर इस मतलब ये सोइंग सीज़न के बाद अगर इसका मार्केट रेट गिर भी गया तो फार्मर्स को 56 रुपीज़ तो मिलने ही मिलने हैं। तो इट प्रोवाइड्स, इट्स एक्ट्स एज अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी टू द फार्मर्स व्हिच एनेबल्स देम टू ग्रो, टू वर्क हार्ड इन ग्रोइंग द डियर दिस एग्रीकल्चरल ईट, मतलब जिससे वो एग्रीकल्चरल की जो प्रोडक्ट है वो बढ़ाने में उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ ड्यू टू एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ पैडी द मार्केट प्राइस ऑफ पैडी डिक्रीजेस, द फार्मर्स रिमेन वेल एश्योर्ड दैट इट विल नॉट गो बियॉन्ड एमएसपी। जैसे कि मान लीजिए कि पैडी जो है उसकी जो एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाती है तो उसका जो है मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने एमएसपी उसका डिसाइड करके रखा हुआ है तो फार्मर्स ये पूरा अश्योर रहती है कि उनको उतने पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और वो अगर वो उनका जो मार्केट प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाता है तो वो एमएसपी से डाउन कभी हो नहीं सकता, तो वो गवर्नमेंट को ही बेच देती है फार्मर और वो गवर्नमेंट ही खरीद लेती है। When the government procures it from the farmers, it is called as procurement price. In financial year 17-18, the minimum support price is announced by the government of India at the beginning of the sowing season for certain crops on the basis of recommendation of the Commission for Agricultural Cost and Prices. This is important fact for prelims. At present, 26 crops are covered under MSP for financial year 17-18-19, which are as follows: cereals, pulses, oilseeds, copra, coconut, raw cotton, raw jute, sugarcane, and tobacco. ये जो है ये आप रट्टा लगा लीजिए क्योंकि ये prelims में ऑप्शन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, चार ऑप्शन देंगे एंड यू विल बी आस्क्ड कि विच ऑफ दिस आर इंक्लूडेड इन द MSP, सो यू हैव टू आंसर, सो रिमेंबर दिस बाय हार्ट। नाउ मूविंग ऑन टू प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है खरीदारी। देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट प्राइस विच इज द प्राइस एट विच गवर्नमेंट प्रोक्योर्स फूड गेन्स फॉर बफर स्टॉकिंग एंड पीडीएस प्रपोजेस टू एफसीआई। गवर्नमेंट अगर फार्मर्स से कोई चीज़, कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, राइस, पैडी खरीदती है तो जिस रेट पर वो खरीदते हैं इट इज़ कॉल्ड एज प्रोक्योरमेंट प्राइस। एंड गवर्नमेंट खरीदती है फॉर द पर्पज ऑफ स्टॉकिंग, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी के लिए वो खरीदती है एंड वो स्टॉक करती है और कुछ पोर्शन वो डिस्ट्रीब्यूट करती है इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम।
और जिस तरह से जिस वो गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली नहीं खरीदती है, द गवर्नमेंट प्रोक्योर द व्हीट बार्ली और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थ्रू अ PSU नोन एज FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया विच प्लेज अ मेजर रोल इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन द स्टॉकिंग ऑफ फूड एंड इन द प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड. मेंस में ऑप्शन आ सकता है व्हाट आर द मेजर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय FCI इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, एक्सप्लेन अ कमेंट. सो लेट अस स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ FCI. FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम. सो इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट ऑपरेशंस फॉर सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स. जैसे कि मैंने कहा कि वो गवर्नमेंट ही खरीद लेती है जो हार्वेस्ट होती है, तो वो गवर्नमेंट खरीद, तो फार्मर को सिक्योरिटी रहती है कि अगर वो मार्केट में नहीं भी बिकती है, मार्केट में एक्सेसिव हो, डिमांड कम हो, नहीं भी बिकती है, तो वो गवर्नमेंट ही खरीद लेगी, वो वेस्ट ही नहीं जाएगा और उनका नुकसान नहीं होगा. सो इट प्रोवाइड्स अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी फॉर द फार्मर्स क्योंकि FCI खरीद लेती है प्रोक्योरमेंट के थ्रू. सेकेंड इज वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जो खरीदा हुआ सामान था, खरीदा हुआ स्टॉक्स है, उनमें से कुछ पोर्शन PDS के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है गरीबों में, बिलो पॉवर्टी लेवल में जो नीडी है उनको, कुछ कुछ नॉर्म्स है उसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. थर्ड इज मेंटेनिंग सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ ऑपरेशनल एंड बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स टू इंश्योर नेशनल फूड सिक्योरिटी. जैसे कि क्राइसिस के टाइम पे जब फूड की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है तो FCI जो है वो फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, मतलब इतना ज़्यादा स्टॉक्स रखती है कि हम लोग क्राइसिस के टाइम पे भूखे ना मरे, हम लोग को फूड प्रोवाइड हो, राइस और व्हीट तो एटलीस्ट प्रोवाइड हो ही हो. ये देखिए FCI के जो स्टॉक्स हैं, ये देखिए लेबर्स हैं, ये रैक जो है अनलोडिंग कर रहे हैं, रैक इन द सेंस जो स्टॉक्स होती हैं, बैग्स होती हैं, राइस और व्हीट के बैग्स होती हैं, उनको जो ट्रेन से आती हैं, वो ट्रक से आती हैं, उनको अनलोडिंग कर रहे हैं. अभी तो फ़िलहाल ट्रक से आ रही है, ये जो आ रही है, ये जो पूरा है उसको स्टैक्स बोलते हैं, और इंडिविजुअल जो इसको स्टॉक्स बोलते हैं, और जो इंडिविजुअल जो बैग्स हैं उसको स्टैक्स बोलते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू फंक्शंस ऑफ FCI. द फर्स्ट फंक्शन ऑफ FCI इज प्रोक्योरमेंट. एज सेड अर्लियर, गवर्नमेंट इज़ बायर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट एंड गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम बिकम्स प्रिफर्ड कस्टमर्स टू फार्मर्स. FCI फॉलोज टू मॉडल ऑफ प्रोक्योरमेंट, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज. जैसे कि मैंने कहा, जब मार्केट प्राइस और MSP दोनों इक्वल हो जाती है तो फार्मर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट को ही सेल कर देते हैं और गवर्नमेंट ही बाय कर देती है सारा सामान. तो गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं बाय करती है, गवर्नमेंट बाय करती है थ्रू अ मीडियम कॉल्ड एज FCI. जो FCI प्रोक्योर करती है दो मोड से प्रोक्योर करती है, मतलब दो मोड से खरीदती है, एक होता है सेंट्रलाइज्ड और दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज्ड. अब ये सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है, लेट्स सी. ये देखिए मित्रों, जो मयूर सर बहुत अच्छा बोलते हैं, जैसे गवर्नमेंट मोदी जी अपने हाथ फैलाए हुए हैं टू प्रोक्योर द थिंग्स, टू प्रोक्योर द व्हीट. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, मोदी जी ने हाथ फैलाए हुए हैं टू प्रोक्योर द व्हीट एंड राइस. जनरली FCI में पहले तो शुगर भी था, लेकिन अब व्हीट और राइस की प्रोक्योर, मतलब व्हीट और राइस की प्रोक्योरमेंट ही ज़्यादा होती है और स्टोरेज ही ज़्यादा होती है, क्योंकि शुगर वगैरह में जो स्टोरेज लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. लॉस जो मतलब शुगर तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो शुगर में लॉस बहुत ज़्यादा होता है. सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट इज कैरिड आउट बाय द FCI, फिर FCI buys crop directly from the farmers. Centralized procurement वो होता है जहाँ पे FCI जो है वन टू वन डील करती है फार्मर्स के साथ. ऐसा नहीं कि FCI के एम्प्लॉयज़ डायरेक्टली जाके फार्मर्स के साथ करती है. FCI फार्मर्स के जो हेड होते हैं उनके साथ डील करके मतलब खरीदती है, और जो डिसेंट्रलाइज होती है वो FCI जो स्टेट एजेंसीज को होती है वो बोलती है कि तुम हमारा ऑन बिहाफ ऑफ अस यू डू द नीडफुल एंड यू डू द प्रोक्योरमेंट थिंग फॉर अस. तो स्टेट एजेंसीज जो होती है डिफरेंट स्टेट में लोकल बॉडीज होती है, उनको बोलती है कि तुम ये प्रोक्योरमेंट का काम करो ऑन बिहाफ ऑफ अस. ये देखिए स्टेट एजेंसी, मतलब सेंट्रलाइज मतलब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली, और डिसेंट्रलाइज मतलब जैसे कि अरविंद केजरीवाल को दिखाया गया है ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट को, ये स्टेट एजेंसीज डिसेंट्रलाइज की, डिसेंट्रलाइज मतलब आप इनका चेहरा याद रखिए, तो डिसेंट्रलाइज मतलब स्टेट एजेंसीज के थ्रू प्रोक्योरमेंट कराती है. मूविंग ऑन,
प्रोक्योरमेंट तो हो गया, अब हम देखते हैं स्टोरेज. अकॉर्डिंग टू द स्टोरेज गाइडलाइंस ऑफ द FCI, फूड ग्रेन्स आर नॉर्मली स्टोर्ड इन कवर्ड गोडाउंस एंड सीलोज. इन केस इफ FCI हैज इनसफिशिएंट स्टोरेज स्पेस, इट हायर्स स्पेस फ्रॉम वेरियस एजेंसीज सच एज द सेंट्रल एंड स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज एंड प्राइवेट पार्टीज. जो स्टोरेज गाइडलाइंस ऑफ FCI जो सर्कुलर्स होते हैं उसके हिसाब से, ये देखिए FCI के जो स्टैक्स होती हैं वो डिपोज यानी कि गोडाउंस उसमें स्टोर्ड होती है. ये देखिए, ये जो है एक ट्रेडिशनल डिपो का फोटो है जो, और ये जो है ये रेल साइडिंग है FCI का. कई कई जगहों पे FCI का अपना रेल हेड होता है, जो रेल आती है और जो फॉइस जो होती है, फ्रेट जो होती है उसके साथ कनेक्शन होती है, और रेल आके ये जो रैक है वो अनलोडिंग करती है, यानी कि जो बैग्स है वो अनलोडिंग करती है. और ये इसका एडवांस्ड अप्रोच है जो रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ है, ये है साइलो. इसी में भी वो जो रैक्स है वो इसमें बहुत हाइजीनिकली होता है कंपेयर टू दिस. यहाँ पे स्टोरेज लॉसेस ज़्यादा चांसेस है, बट साइलोज में जो है वो स्टोरेज लॉसेस के चांसेस बहुत कम होते हैं. इन केस अगर FCI का जो गोडाउन है वो जैम पैक्ड हो जाता है, स्टोरेज कैपेसिटी फुल हो जाता है, स्टोरेज यूटिलाइजेशन कैपेसिटी जो 100% होता है उसका ज़्यादा हो जाता है, तो FCI क्या करती है, जो स्टेट एजेंसीज होती है उसको हायर कर लेती है कि तुम अपना इसको कर लो, तुम जो गोडाउन जो स्टॉक्स है तुम अपनी एजेंसीज में रख लो, जैसे कि सेंट्रल एंड स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन SWC, CWC, स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज एंड पावर पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट देती है कि इतने इतने स्टॉक्स तुम अपने अंदर रखो. नाउ मूविंग ऑन टू ओपन मार्केट सेल्स. FCI under instructions from the government also periodically sells food grains at predetermined prices in the open market. FCI जो होती है वो कभी कभी domestically जो food sources, अगर किसी चीज़ का rate बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या किसी चीज़ की demand बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, right? Basically rice और wheat की demand बढ़ जाती है, तो वो bulk में at a predetermined price में जो private parties होती है उनको sell कर देती है. ये इसलिए भी beneficial होता है क्योंकि stocks बहुत ज़्यादा भर जाती है. To reduce the amount of stocks, FCI जो होता है वो first in first out FIFO policy के based पे, मतलब crop year wise जो चीज़ें पहली आती है वो पहले जाती है. तो in to reduce the load of stocks, they also follow a policy of open market sales. तो कुछ चीजों को बल्क में बेच देती है एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस. द आइडिया हियर इज टू इंश्योर फूड ग्रेन सप्लाई ड्यूरिंग पोर सीजन्स टू मॉडरेट द इन्फ्लुएंस एंड ओपन मार्केट प्राइस टू सेल ऑफ एक्सेस स्टॉक टू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स टू फ्री स्टोरेज स्पेस फॉर द नेक्स्ट सीजन एंड टू सेव फूड ग्रेन्स फ्रॉम डिटेरियोरेशन इन क्वालिटी. फूड ग्रेन्स को डिटेरियोरेशन से कैसे बचा, इन द सेंस क्योंकि फूड ग्रेन्स को जैसे आपने देखा कि स्टैक में एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो ज़्यादा टाइम तक वो रहेंगे तो नीचे वाला जो बैग होता है वो डैमेज हो जाता है, प्रेशर की वजह से वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं. तो इस तरह से स्टोरेज लॉस का जो वो होता है, वो स्टोरेज लॉस का डिपो वाइज वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए ओपन मार्केट में कुछ चीज़ों को बेच देते हैं, खाली कर देते हैं. Issuing at lower price. On an average, about 15 to 16 million tons of food grains are issued by the FCI to the states at a uniform central issue price, which is much less than the economic cost incurred by the central government by way of the procurement, storage, transport and distribution. देखिए, जो food grains procure किया जाता है वो issue कर दिया जाता है बहुत कम price में, जिसको बोलते हैं सेंट्रल इशू प्राइस, जो सेंट्रली निर्धारित किया जाता है पहले से ही उसी प्राइस में इशू कर दिया जाता है बहुत कम प्राइस में. लेकिन जैसे कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में हर किसी का अपना डिपो नहीं होता, डिपो को रेंट देना पड़ता है, रीजनल ऑफिस वगैरह ऑफिस वगैरह के रेंट देने पड़ते हैं, फ्राइट के चार्जेस होते हैं यानी कि रेलवे वालों को पैसे देने पड़ते हैं, डैमरेज चार्ज लगता है क्योंकि रेलवेज में जो लोडिंग होती है अगर उसमें घंटे घंटे ज़्यादा हो जाते हैं तो वो डैमरेज चार्जेस लगते हैं, पर आर का समथिंग लगता है, थ्री आर्स को क्रॉस हो जाता है. तो इस हिसाब से जो इशू का प्राइस होता है वो इन सब को मिला के, लाइक स्टोरेज लॉसेस भी होते हैं, कभी कभी ट्रांजिट लॉस होता है, जो ट्रांजिट में जाता है तो जो सील्स वगैरह होती हैं रेल्स में, वो सील्स कभी कभी ब्रोकन होती है, वो डैमेज हो जाती है, स्टोरेज ट्रांजिट लॉस इन सब में इंक्लूड हो जाती है. तो जो CIP होता है वो
काफी कम हो जाता, मतलब काफी CIP जो होता है वो काफ़ी कम होता है कंपेयर टू दैट द होल सिनेरियो, जो स्टोरेज लॉस वगैरह फ्राइट वगैरह का चार्जेस होता है, मान लीजिए सब कुछ मिला के उनका टोटल खर्चा हो जाता है 100 रुपये, लेकिन उनको बेचना पड़ रहा है 50 रुपीज़ में, तो उनका एक तरह से ये एक सब्सिडी। FCI जो है एक लॉस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये कभी प्रॉफिट में नहीं जाता है, और जो लॉस होता है वो गवर्नमेंट सब्सिडी के थ्रू फुलफिल कर देता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, द फूड ग्रेन्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सरप्लस स्टेट्स टू द डेफिशिएंट स्टेट्स। सरप्लस स्टेट्स वो होते हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा, जो कि हब होता है एग्रीकल्चरल फूड प्रोडक्शन का वो, और डेफिशिएंट स्टेट्स जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, वैसे होता है नॉर्थ ईस्ट में आप लोग मतलब ट्रांसपोर्ट कर देते हैं बाई दिस, अभी तो यहाँ पे देखिए ट्रक से लेके जा रहे हैं बाई रूट, तो ये ट्रक जो होता है ये कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया जाता है, और ये कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू मतलब ट्रक्स को पंजाब हरियाणा जो डिस्पैचिंग रीजन बोलते हैं पंजाब हरियाणा साइड, उससे जो रिसीविंग एंड होता है जैसे कि नॉर्थ ईस्ट मान लीजिए आप, साउथ के साइड में, ऑल ओवर इंडिया FCI इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जो दिया जाता है ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द फूड ग्रेन सरप्लस इज मेनली कन्फाइंड टू नॉर्दर्न स्टेट जैसे पंजाब हरियाणा, ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व्स लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू आउट द कंट्री, स्टॉक्स प्रोक्योर्ड इन द मार्केट्स एंड परचेज सेंटर्स इज फर्स्ट कलेक्टेड इन द नियरेस्ट डिपोट एंड फ्रॉम देन डिस्पैच टू द रिसिपिएंट स्टेट्स। डिपोस में आते हैं जैसे कि ये ट्रेन, जैसे कि आप मान लीजिए एक डिपो होता है जगाधरी पंजाब से, वहाँ से आएगा आपका गुवाहाटी के संगसड़ी का नाम एक डिपो है, वहाँ तक आएगा, आके डिपो में आके वहाँ पे वो काउंटिंग वगैरह होगा, होके वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा नियरेस्ट मंडी वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू PDS, द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इवॉल्व्ड एज अ सिस्टम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस एंड मैनेजमेंट ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन। Over the years, the term PDS has become synonymous with the term food security and also an important part of government's policy for management of food economy in the country. Up to 75% of the rural population and 50% of the urban population will be covered under TDPS, which uniform entitlement of 5 kg per person per month. PDS, जैसे कि मैंने कहा, is public distribution process या public distribution system. ये जो है जो फूड जो स्टोर किया गया है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है रूरल और अर्बन, अर्बन को बहुत कम कर किया जाता है और रूरल पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जैसे कि 5 kg पर पर्सन पर मंथ। इसको गवर्नमेंट की काफ़ी सारी स्कीम्स है जैसे कि TDPS, मिड डे मील स्कीम है जहाँ पे जो बच्चों को मिड डे मील की वो जो फूड की राशन है वो FCI से प्रोवाइड किया जाता है, तो ऐसे गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स के तहत PDS सिस्टम के थ्रू ये ग्रेन्स जो है वो जो स्टोर किया जाता है उनमें से कुछ पार्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो आज हम आ गए अपने कंक्लूजन पार्ट पे, वो हैड टू कंक्लूड द मच नीडेड एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स are moving in the right direction and one can hope that the inefficiency in the system would be removed to ensure the food security millions of people in our country. जो जैसे agricultural reforms चल रही हैं तो ये हम आशा कर सकते हैं कि जिस तरह से चल रही है या फिर जो reforms agricultural में हो रही है उससे जो food security का जो है वो बहुत ज़्यादा strong हो रही है कि we will not have to face any crisis related to food security in the near future. So, apart from that, it is also providing a very noble, जो farmers के लिए beneficial proof हो रही है, farmers को security provide कर रही है। सेकेंड थिंग, हम कॉमन पॉपुलेशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है कि नेशनल क्राइसिस पे हम भूखे नहीं मरेंगे, वे अश्योर्ड द फार्मर्स आर अश्योर्ड दैट क्रॉप्स विल नॉट गेट वेस्टेड एंड द पोअर पीपल आर अश्योर्ड दैट दे विल गेट डेफिनेट अमाउंट ऑफ दिस जो PDS के थ्रू उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ग्रेन्स वगैरह, दे आर अश्योर्ड दैट दे विल गेट इट एट अ लो प्राइस, जब मार्केट में रेट बढ़ेगी भी तो उनके खाने पर असर नहीं होगा, भूखे नहीं मरेंगे कोई। So this is overall a very noble approach towards the government और government का ये बहुत अच्छा स्कीम है। So आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।